हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों का वार पलटवार लगातार जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी में एक जनसभा की। इसे संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, यह कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम किया है। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापस आएंगे उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अग्निवीर योजना के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बिना नहीं रहेगा, ये भाजपा का वादा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का निर्णय पीएम मोदी ने लिया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते।